भैया यहाँ पर शेर का घर कहाँ पर है? शेर का घर शेर दिखेंगे, शेर बब्बर, शेर बब्बर। और यहाँ पर लेपर्ड वगैरह बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे चंदीला साहब गाड़ी साफ करते हुए भाई देख रहे हो, पहाड़ी पहाड़ है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भैया बैडमिंटन वगैरह खेलना स्टार्ट हो गया, आगे वो देख रहे हो, आ गया भाई मोर आगे गाड़ी में। 10 रुपए देके यहाँ पर आप लोग यहाँ का नजारा देखो आप। बाद हम ये व्यू आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ये देखो आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सेंसेशनल ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं गाइस? तो आज आपका हर्षव भाई ना आपको एक ऐसे लोकेशन में लेके आया ना, तो भाई देख के ना मतलब आप ये देख लो, पहले लोकेशन देख लो आप। कुल्लू मनाली शिमला आपको लेके नहीं आया हूँ, आपकी अपने शहर दिल्ली NCR और फरीदाबाद के बीचों बीच एक ऐसी जगह है यहाँ पर जाकर आप अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ ना भाई बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले, उनके इंक्लूड अपने अपने कपल्स वगैरह भी लेके यहाँ पर आओ। और डेफिनेटली ये जो टाइम है जो वैकेशन वगैरह का ना वीकेंड का अपना पिकनिक स्पॉट बहुत ज़बरदस्त होने वाला, आउटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कर सकते हो। ये देखो चारों तरफ का नज़ारा भाई, ये देख लो यार पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने को, नेचर आपको जनों यहाँ पर देखने को मिलेगा, एनिमल्स काफ़ी सारे यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। क्या कुछ देखने को मिलेगा पूरी आपको यहाँ की जानकारी दूंगा, क्या टिकट क्या प्राइसिंग क्या लोकेशन वाले कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो सब कुछ आपको इस पर इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल पर पहली बार चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। चलते हैं फिलहाल अभी और आपको सारी जानकारी देता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आज आपको मैं लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह पर, जैसे आपको मैं दिखाया कि मैं आपको लेके आऊँ कि असोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और भाई लोग यहाँ पर ना मतलब बड़े दूर दूर से यहाँ पर मतलब घूमने फिरने के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है ना बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप अपने यहाँ पर फैमिली बच्चों के साथ बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। आपको लेके चलते हो अंदर और यहाँ पर देखते हैं बहुत कुछ क्या क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर, और इसकी क्या टाइमिंग वगैरह जो टिकट वगैरह होने वाली है आइए आपको मैं बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। और इसका अगर मैं नियर्स मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो इसका जो नियर्स्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है गोविंदपुरी के नेटर मेट्रो स्टेशन से आप ई रिक्शा वगैरह करके आप यहाँ तक आ सकते हो। लोकेशन की बात करूँ तो फरीदाबाद के और आपके दिल्ली के बीचों बीच शूटिंग रेंज का जो रास्ता जाता है वहाँ पर ये तुगलकाबाद में ये आपका देखने को मिलेगा। गाइस की अगर टाइमिंग की बात करें फिलहाल तो मैं बता दूँ टिकट प्राइसिंग की होने वाली है 10 रुपये पर पर्सन की, मंडे ये ऑफ रहता है। आउट टाइम की बात करें तो 4:30 बजे के बाद से ये मतलब बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। गाइस अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का आपको नज़ारा आपको मैं दिख जाएगा, सामने जो आप देख रहे हो ये आपका टिकट काउंटर है। कुछ इस तरह की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी संडे के टाइम, क्योंकि आज संडे है और आप भीड़ देख सकते हो। और यहाँ की जो टिकट टाइमिंग मैं आपको थोड़ा बात करूँ तो यहाँ की जो टिकट होने वाली है वो पर पर्सन होने वाली है 10 रुपये की। पेटीएम फ़ोनपे वगैरह कुछ भी ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, कैश यहाँ पर आपका चलेगा, तो प्लीज़ कैश कैरी करके लेके आइएगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर ऑन देना चाहूँगा, टिकट जो आपकी 10 रुपये की होने वाली है अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं लाइक जैसे 4-व्हीलर वगैरह से लेके, तो अगर आपको उसका अलग से भी 10 रुपये आपको एंट्रेंस टिकट देना पड़ेगा, यानी कि पर पर्सन 10 रुपये। और अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह भी लेके आ रहा तो उसके लिए भी आपको 10 रुपये चार्ज देना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद भी ना मतलब टिकट वगैरह तो मैंने ले लिया, कुछ इस तरह की आपको टिकट आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखिए जो कि इन्होंने मैनुअली अपने हाथों से लिख के दी है। इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ फिलहाल आपको यहाँ पर मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो प्लीज़ उसका गाड़ी का नंबर उनको बताना पड़ेगा आपको, और कितने मेंबर्स के साथ आप लोग यहाँ पर और कितनी गाड़ी अंदर जाएंगे। सपोज दैट जैसे कि मैं 2 बंदों के साथ आऊँ, मैं मेरा फ्रेंड आया अरुण, तो यानी कि 2 मेंबर्स आपकी 2 टिकट होगी 10-10 रुपये की, यानी कि 20 रुपीज़। और हम एक अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल से आए हैं, यानी कि अपनी गाड़ी को हम अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ई रिक्शा वगैरह है वहाँ पर बिल्कुल भी आज के दिन संडे के दिन अभी अलाउड नहीं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही सुबह मॉर्निंग में निकल जाता है, उसके बाद 11 बजे के बाद बंद हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के बाद। तो इससे बेटर है कि आप अपना पर्सनल व्हीकल, यानी कि अगर आपके पास 4-व्हीलर है तो आपका 4-व्हीलर जरूर लेके यहाँ पर आओ, और अगर यहाँ ई रिक्शा और सपोज दैट ऑटो वगैरह यहाँ पर बिल्कुल अंदर अलाउड नहीं है, अगर आप अपनी बाइसाइकिल से या ई स्कूटी वगैरह से अभी आना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। इससे बेटर रहेगा कि अगर आप यहाँ का इंजॉय करना चाहते हो तो बेटर आपके पास 4-व्हीलर होना चाहिए, तो उसे तभी आप इंजॉय कर सकते हो। तो आप भी चलते हैं गाइस, टिकट वगैरह वगैरह सब कुछ ले लिया, तो आप भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ फिलहाल अभी आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है, टिकट काउंटर भी आपको मैंने भीड़ बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, अभी देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे और करेंगे इसको बहुत अच्छे से इंजॉय। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं असोला भाटी के अंदर भाई,
और कुछ इस तरह का आपको नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। कितनी भीड़ भाड़ है, संडे है आज वैसे ही ना। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हो ना अपनी गाड़ी लेके यहाँ पर ज़रूर आओ, अपनी गाड़ी का ही आने का फ़ायदा है यहाँ पर ना, क्योंकि संडे वाले दिन ना यहाँ पर जो ई रिक्शा वगैरह वो चलते हैं ना, वो सिर्फ सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सुबह निकल जाते हैं, और उसके बाद वहाँ क्योंकि 16 किलोमीटर की ड्राइव है तो वहाँ से दोबारा वापस नहीं। और कैफे वगैरह भी यहाँ पर, अगर आप यहाँ से कुछ लेके आना चाहते हो ना तो भाई अपनी गाड़ी वाड़ी में रख लेना, बच्चे बच्चों को साथ आओ तो कुछ खाने पीने का सामान रख लेना। और पार्किंग अभी फुल हो चुकी है, कुछ इस तरह का आपको मतलब सामना कर सकना पड़ सकता है, क्योंकि ना भैया जगह बिल्कुल भी नहीं है, पार्किंग वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ फुल हो चुके हैं। देख लो आप, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा भाई। ये देखो भैया, टूट मची पड़ी है कैंटीन में ना, बच्चे वगैरह भी आए हैं एंजॉय करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ ना, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होने वाला भाई यहाँ तो आज, देखते हैं यहाँ पर। तो भाई हमारे साथ ये चंदेला साहब है, चलो चंदेला साहब क्या हाल है दोस्तों, शेर दिखाएंगे, शेर बब्बर शेर, बब्बर शेर भाई। एक चीज और, अच्छा यार अरुण भाई यहाँ पर सुनने में आया कि लियोपार्ड छोड़े गए 8। हाँ भाई यहाँ पर ना अभी बताया गया है कि क्योंकि ये अभी रेनोवेट कर रहे हैं ना, बढ़िया लोगों के लिए बहुत जबरदस्त स्पॉट बन चुका है ये, सर्दियों में तो दिल्ली वालों के लिए, फरीदाबाद वालों के लिए बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पर लेपर्ड वगैरह बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल, देखते हैं लियोपार्ड मिलता है मिल गया, शेर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम अभी है ना अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर नीली झील भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने पूरे ब्लॉग में। 16 किलोमीटर का आपका ये होने वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि आप देख रहे हो कि आप अंदर आते हैं ना 16 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूँ, देखो ये हमारे चंदेला साहब गाड़ी साफ करते हो भाई, ठीक है ना भाई, कि भाई ब्लॉग में कुछ रहना जाओ भाई, व्यू वगैरह ना। और आपको मैं यहाँ पर ज्वाइन कराए, तो भाई क्या हाल है भाई आप लोगों के? तो भाई यहाँ पर ना ये 1, 2, 3, 4 भाई 5 बंदे बैठे हुए हैं, तो किसी की शक्ल दिख भी नहीं रही है किसी, हमने इनको ज्वाइन तो कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना एक माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो अपनी पर्सनल व्हीकल से जरूर, यानी कि अपना 4-व्हीलर से जरूर आओ, क्योंकि यहाँ पर जो ई रिक्शा वगैरह है ना सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही पर चल रहा है, वो भी संडे के टाइम पे, वरना उसके बाद अगर आप अपना किसी को सपोज, जैसे कि हमने भाइयों से बोला कि ठीक है यार आप हमारे से ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। अभी एक एक करके यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये देखो सारी गाड़ियाँ जा रहे हैं, तो 16 किलोमीटर की ड्राइव होने वाली है, ये देखो एक गाड़ी और चली गई, तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। बस हमारी गाड़ी ना जा रही, बस हमारी गाड़ी ना जा रही, क्योंकि भाई हम गाड़ी साफ करने में लगे, तो हमारे चंदेला साहब गाड़ी साफ कर रहे थे, तो चलते हैं फिलहाल आपको एक एक करके ना आपको दिखाते हैं। नीली झील घुमा के लाएंगे तो मैं, हाँ चले भाई नीली झील तो बड़े नीलकंठ घुमा के लाओ यार, मजा तो आएगा, घुमाएंगे भाई भी नीलकंठ भी घुमाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि कुछ इस तरह का आपको हसीन वादियां देखने को मिल जाएगी भाई, धूल मिट्टी वाले, हां तो मतलब धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। शिमला मनाली का अगर भाई मजा लेना चाहते हो तो थोड़ा अभी आगे जाकर आपको बहुत कुछ दिखाएंगे अभी अंदर जाके ना। ये देखो 16 किलोमीटर अगर ड्राइव करेंगे वो भी अपनी पर्सनल व्हीकल से, तो भाई अलग ही मजा है, देख रहे हो। तो भाई इतनी ड्राइव करने के बाद ना वो देखो, देखो 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 भाई देखो देखो वो देखो सामने वो देखो, कौन है भाई ये? गीदड़। गीदड़। 4-5 किलोमीटर की ड्राइव कर लिए तब जाके आप जाके यहाँ पर इनमें जंगलों में जाके आपको ये दिखाए, एक गीदड़ जाके दिखा भाई, वो भी हमारे डर के मारे भाग गया है। तो कुछ इस तरह का आपको जंगल आपको देखने को मिलेगा। ये रही हमारी टुक टुक सवारी जिसपे अभी फिलहाल आए हैं हम लोग, और ये कुछ भाई लोग हमने ज्वाइन करे हैं यहाँ पर ना, क्योंकि इनके पास कुछ तो था नहीं अंदर आने के लिए भाई हो गया, तो हमने इनको बैठा लिया इनके पास ताकि इन्जॉय इन्जॉय थोड़ा सा कुछ कर सके। और अभी इन जंगलों में तो फिलहाल कुछ देखने को मिला नहीं है। ये देखो आ गए, वो देख रहे हो आ गया भाई, कुछ तो देखने को मिल गया, ये देख रहे हो। और लियोपार्ड भी यहाँ पर छोड़े गए हैं 8, तेंदुए वगैरह भी हैं, देखते हैं कब मिलेंगे हमें यहाँ पर वो लोग, उनसे भी बात करेंगे, मनोरंजन करेंगे भाई उनके साथ भी ना। मोर आ गए गाड़ी में, बोला था ना शिमला मनाली कुछ भी हिल स्टेशन की अगर आप जगह ढूंढ रहे हो ना दिल्ली और फरीदाबाद के अंदर, तो इससे बढ़िया जगह इतने सस्ते में भाई नहीं होने वाली है, सिर्फ मात्र 10 रुपये दे के यहाँ पर आप लोग यहाँ का नज़ारा देखो आप। और वो देख रहे हो हमारे चंदेला साहब कहाँ पर चढ़ गए भाई, वॉच टावर में वहाँ से मजा कर ले रहा। अरे चंदेला भाई कहाँ चढ़ गए तुम है, सच में वहां से दिख रहे हैं क्या तुम्हें? कितने पूरे रास्ते में कोई घंटा कुछ कुछ भी ना मिला हुआ हमें, तुम्हें 3 शेर लग गए वहाँ है भाई। ये वॉच टावर है, देखो पब्लिक वगैरह यहाँ पर कितनी अभी इकट्ठा हो रही है, ठीक है, नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं, पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देख सकते हो आप, कितनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं ये। और चलते हैं अभी ऊपर, आपको वहाँ का ना वॉच टावर आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो देख रहे हो, इससे बढ़िया लोकेशन और कुछ नहीं हो सकती, वो भी आपके खुद के फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में।
इस टाइम अभी मैं वॉच टावर पे हूँ और ये देखो वॉच टावर इस तरह कुछ ना ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ना भाई पूरा आपको हिल स्टेशन वाली यहाँ पर फीलिंग आने वाली है भाई। ये देख रहे हो आप चारों तरफ शिमला मनाली कुल्लू वाली वाली फ्लैग फीलिंग आपको आने वाली है। वॉच टावर आपको देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर अपना सेल्फी वगैरह क्लिक करवाना चाहते हो फोटोशूट होता भाई बहुत जबरदस्त फोटोग्राफ्स आने वाली है। आज शुक्र है कम से कम भाई इतने टाइम बाद जो ठंड में कम से कम थोड़ी बहुत धूप तो आज देखने को मिल गई है तो थोड़ा सा नज़ारा भी और सुंदर बन चुका है भाई यहाँ पर आके ना। ये देखो शेर कौन शेर भैया यहाँ पर शेर का घर कहाँ पर है? शेर का घर आ गया, आ गया, ये तो बंद रही है। हाँ ठीक है, बता रही है, बता रही है, एड्रेस बता रही है। अच्छा आ गया भाई, आप ये देख सकते हो बंदरों को, पूरी सेना आ रही है भाई, बैठे हैं, मुझे लग रहा है बेचारे भूखे हैं, पूरी सेना आ रही है। देखो क्या हाल है बदरिया, मेरा बंदर कहाँ है, मेरा बंदर कहाँ है, ये देखो ये रहे सारे मेरे बंदर सारे बंदर हाँ जी ठीक हो, ठीक हो भाई, परिवार ठीक है तुम्हारा? ओए 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 दादा नाना पापा मामा सब यहीं पे है यार। मैं शॉर्ट वीडियो बना, मजा आ रहा है। और आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर दिया करो यार, तुम कमेंट करते नहीं हो ना शेयर करते हो, कोई नहीं भाई, बाकी सपोर्ट कर दो यार। और देख सकते हो आप नज़ारा, एक नंबर नज़ारा है भाई, बहुत ज़बरदस्त। गाइस वीकेंड वगैरह यहाँ पे ना और आउटिंग करने के लिए इससे बढ़िया जगह भाई आपको आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, अपने कपल्स के लिए इससे बड़े जगह और आपको कहीं नहीं मिल सकती। पीछे देख रहे हो अभी हमें अभी एक ऐसे पॉइंट पे रखे हुए हैं जहाँ पर आपको ये देख रहे हो पीछे एक बहुत बड़ा वॉच टावर है, अभी हम आपको उसके भी ऊपर लेके चलूँगा। और यहाँ पर फिलहाल आपको ये देखो चार तरफ यहाँ पर आपको ग्रीनरी दिखा रहा है, आपको देख रहे हो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगी। नजर में बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं भाई, छोटे छोटे तो बच्चे इतने आप मतलब यहाँ पर आए हो ना वो खुद फिलहाल ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं भाई, इतना प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे हैं वो देख रहे हो। ये देखो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर रुक चुकी हैं क्योंकि एक्चुअली अभी किसी पॉइंट पर आगे यहाँ पर रुक चुके हैं। ये देखो आप यहाँ की खूबसूरती ना, ये देखो इतनी हाइट्स पे आके देख रहे हो, पहाड़ी पहाड़ है आपको देखने को मिलेंगे। अब आप अपने कमेंट बॉक्स पे हमें टाइप करके ज़रूर बताओ कि भाई आपको ये शिमला मनाली वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। ये देख रहे हो आउटिंग करने का, वैकेशन करना, अपनी फैमिली के साथ अपना खाना पीना यहाँ पर अपना लेके आओ, एंजॉय करो अपनी फैमिली वगैरह के साथ। यहाँ पर देख लो बच्चे वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करा था वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ का जो खूबसूरती, यहाँ का जो नेचर है भाई देख लो यहाँ पर ना, ये देखो वॉच टावर कितनी हाइट्स वगैरह बना पे, वहाँ पर जाने के बाद तो एक अलग ही सीन होगा यहाँ का देखने का ना, ऑसम। यहाँ पर नीली झील भी है, वहाँ भी मैं आपको मिलकर चलूँगा धीरे धीरे करके ना, क्योंकि 16 किलोमीटर की राइड होने वाली है। ऐसी जगह पर अगर आप आओ ना भाई इन्जॉय करो, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सच में ना, मतलब ऑसम वाली फीलिंग आने वाली है, मतलब ऑसम से भी ऊपर आने की। आपको ना इतनी दूर आउटिंग वगैरह करने के लिए, वेकेशन वगैरह करने के लिए कहीं आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको, आप यहाँ पर चले जाओ। और लोकेशन तो मैं कह रहा हूँ ऊपर है, लेवल ही मतलब उसका अलग है, एक अलग ही वाइब्स है यहाँ पर आके ना। तो वह 16 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद ना फाइनली हम लोग नीली झील तक पहुंच चुके हैं। सामने आप देख पा रहे हो नीली झील है, अभी चल के आपको वहाँ का नज़ारा, वहाँ का व्यू दिखाऊंगा कैसा होने वाला है। संडे के दिन का फिलहाल का जो नज़ारा है आप ये देख सकते हो, कितनी गाड़ियाँ और कितना ज़्यादा रश होता है भाई यहाँ पर ना, आज तो बहुत ज़बरदस्त रश था। ऑलमोस्ट टाइम अभी मैं बताऊँ 4 बजने वाले हैं और 4:30 बजे के बाद से ये धीरे धीरे चीज़ें ना मतलब यहाँ से भैया साफ़ कर दी जाती है, मतलब खाली करा दिया जाता है इसको यहाँ से ना, बट अभी भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग यहाँ पर आउटिंग के लिए आए हैं अपने वेकेशन का, वीकेंड का भाई मज़े लेने आए हैं भाई। और नीली झील का ये मेन एंट्रेंस गेट है, अभी आपको मैं यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ का क्या क्या नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। चलता हूँ आपको अंदर लेके और आपको यहाँ का आपका व्यूज़ दिखाता हूँ। पब्लिक देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे विजिटर्स वगैरह, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा, जैसे डियर गाय, सॉरी हिरन गाय बोल रहा हूँ यार, कुछ इस तरह का बैठने बैठने को लेके भाई देखो कितना कितना खूबसूरत से यहाँ पर बना रखा है, कुछ एनिमल्स को यहाँ पर कुछ स्टैचूज वगैरह बना रखे हैं कुछ इस तरह का। उस इलाका भाई बहुत ही बढ़िया वेदर यहाँ का, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और आज जो धूप निकली हुई है भैया दिल्ली के अंदर 3-4 दिन से जो हमें देखने को मिली बिल्कुल भी, और उसके रीज़न की वजह से यहाँ का ओए होए यार भाई दिल खुश हो जाएगा आपका। धीरे धीरे बहुत प्यार प्यार से आपको साथ में लेके चल रहा हूँ, नीली झील आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये देखो थोड़ा एक फोटो खिंचवा ले। सो
अब आप बताइए कि आपको नीली झील यहाँ पर कैसी लग रही है, देख रहे हो भाई? वाह क्या बात है यार, आपको कहीं इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं था, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ना कुछ। 16 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम ये व्यू आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ये देखो आप। अगर यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाए ना तो भाई यहाँ तो नहरे वारे होने वाले हैं यार। बोटिंग वगैरह है वहाँ पर, आई डोंट नो बट वो कब तक स्टार्ट होगी। पब्लिक दिखाता हूँ आपको यहाँ की, ये देखिए, देख रहे हो आप कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ना जो बच्चे वगैरह कितने यहाँ पर ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके ना, ऐसी जगह को देखने के बाद भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये सेल्फी पॉइंट है, देखो कितनी क्यूट सी बेबी यहाँ पर बैठी हुई है, बटरफ्लाई का सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बना रखा है। और कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर देख सकते हो, फैमिली वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और जिस तरह का यहाँ का व्यू और जो नेचर है ना यार, सुपर भैया, मतलब आप अगर ऐसे हिल स्टेशन वगैरह भी अगर इतनी दूर वगैरह जा रहे हो तो भाई पैसा वेस्ट है भाई। इतनी दूर जाने के बाद वो आपको यही सब चीज़ें ना आपको दिल्ली के अंदर, आपको फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी यहाँ पर। गाइज आउटिंग करने के लिए ना इससे बढ़िया प्लेस और कहीं नहीं हो सकता इतने सस्ते में। और मतलब देख लो यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा और यहाँ की जो पब्लिक है, जो मतलब जो यहाँ पर आई हो अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कपल्स वगैरह भी यहाँ पर। फिर खाने पीने को लेकर आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, कैंटीन वगैरह भी यहाँ पर, आपको सेल्फी वगैरह भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और व्यू तो आपको पता ही है यहाँ पर भैया, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों शिमला मनाली कुल्लू के भाई पैसे खर्च कर रहे हो, यहाँ चले जाओ असोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और देखते हो वो सामने सेल्फी पॉइंट वगैरह बना रखा है, पब्लिक देख सकते हो यहाँ पर कितनी आई हुई है, बहुत ज़्यादा हो सबके सब यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बंदर वगैरह भी है भाई वहाँ पर ना पीछे उसके, ठीक है? तो आ जाओ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ इस तरह का क्राउड देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का आपको नज़र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाय वगैरह भी इंजॉय करना तो आपके लिए यहाँ पर छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एक कैंटीन वगैरह यहाँ पर आपके लोगों के लिए है कि आप यहाँ से चाय कॉफ़ी वगैरह का भी ले सकते हो। सैंडविच वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो छोटी सी प्यारी सी कैंटीन लगी हुई है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर भैया बैडमिंटन वगैरह खेलना स्टार्ट हो गया है, व्यू देखो आप, आपको लगेगा भाई ऑब्वियसली बात है हिमाचल वगैरह भी आ चुके हो भाई। कुछ लोग देख रहे हो वहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं यार, वो देखो पता नहीं कहाँ चढ़ रहे हैं भाई क्या। अच्छा सॉरी, वो वॉच टावर है वहाँ पर ना, वहाँ भी लेके चलूँगा अभी आपको कि भैया वहाँ का जो नज़ारा है वहाँ का व्यू देखने में कैसा लगता है। बट यहाँ का कुछ नज़ारा ये देखो आप, सेल्फी वगैरह लेना चाहते हो तो देखो यहाँ पर कितनी मस्त सेल्फी आने वाली है यहाँ अपना। भाई देख लो लंगूर भी है यहाँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना, लंगूर के आया वैसे तो सारी एनिमल्स हैं, देख रहे हो साथ बैठे हुए वहाँ, देखो बंदर काफ़ी सारे, ऐसे काफ़ी सारे आपको जंगली जानवर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वो जो भीड़ है वो जो कैंटीन वगैरह की भीड़ है लोगों की, यहाँ पर चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह सैंडविच वगैरह बर्गर वगैरह यहाँ पर इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा, मिल जाएगा कुछ खाने पीने के लिए। तो गाइस इतना प्यारा है ना, मतलब नेचर देख के यहाँ के, मतलब जो भाई झील वगैरह जो इतनी प्यारी प्यारी, मतलब खूबसूरत जो नेचुरल था ना भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल देख के ना सच में यार। उसके बाद अभी फिलहाल मैं पता क्या है, एक ये देखो जगह देख रहे हो आप भाई कितना खूबसूरत है, चट्टानी चट्टान पहाड़ी पहाड़ी वो देख रहे हो, सेल्फी वगैरह क्लिक हो रही है। तो भाई सबसे ऊपर आपको लेके चल रहा हूँ, एक वॉच टावर है तो वहाँ से ना आपको कुछ नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ का। नीली झील वगैरह आपने देख लिया कितना प्यारा कितना खूबसूरत है भाई यहाँ का ना, मतलब अगर आपको यहीं इतना कोई हिल स्टेशन वगैरह कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ था अभी हम ना वहाँ पर, तो वहाँ से व्यू दिखाया था आपको, अभी आपको मैं सबसे ऊपर लेके चल रहा हूँ देखो, ऊपर जा रहा हूँ बेसिकली थोड़ा सा सांस चल रही है क्योंकि जैसे आप लोग पहाड़ वगैरह चढ़ते हो ना तो वैसे ही कुछ यहाँ का कुछ नज़ारा है, ये देखो तो इसी वजह से तो सबसे आपको पे लेके चल रहा हूँ वॉच टावर के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा। बहुत एडवेंचर हो रहा है भाई, ज़बरदस्त यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अभी। और तो गाइस मैं आपको बता दूँ ना, मैं फिलहाल अभी सबसे ऊपर वॉच टावर में आ गया हूँ और ये वॉच टावर के बाद का कुछ इस तरह का आपको नज़ारा दिख लेगा, वो देख रहे हो हम लोग वहाँ पर थे क्योंकि वो देख रहे हो सामने नीली झील है, ये देख रहे हो। और यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देखो भाई,
पीसफुल, मज़ा भाई एकदम मज़ा ही आ जाएगा सच में, लिटरली बता रहा हूँ यार। ज़रूर आओ यार आप लोग यहाँ पर ना इन्जॉय करने के लिए, अपने मत सोचो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल, अपने कपल्स वगैरह जितने भी मतलब है ना भाई, सबको लेके आ जाओ यहाँ पर, और अल्टीमेट आप यहाँ पर फन वगैरह कर सकते हो। खाने पीने का सामान अगर आप लेना चाहो, वैसे यहाँ पर कैंटीन वगैरह भी, तो वहाँ करो अभी आप इन्जॉय वगैरह कर सकते हो। सो गाइस ये था आप लोगों के ना असोला वाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो कि बहुत प्यारी नीली झील जिसे भी इसको बोला जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और वो धीरे धीरे भी होने वाली, जिस तरह का यहाँ का नज़ारा भी था ये देख रहे हो। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई मेरे को कमेंट बॉक्स पर टाइप करके ज़रूर बताना, और ना मतलब मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर आपको दे दिया, बट कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर ऐसी हैं क्योंकि मेरे के साथ संडे है, संडे के यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, थोड़ा रश भी रहता है कि यहाँ पर ना गाड़ी वगैरह का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो बेटर है कि थोड़ा संडे को अवॉइड करके ना आप सैटरडे संडे को अवॉइड करके बेटर है कि आप वीकेंड्स के टाइम पर आओ, मतलब लाइक आपका ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप यहाँ पर डेफिनेटली जरूर। मंडे को ये जगह ऑफ रहती है, यानी कि उस दिन उसका क्लोजिंग रहता है, बंद रहता है फिलहाल, अभी 4:30 बजे के बाद यहाँ पर इसको बंद करा दिया जाता है, जैसे कि ऑलमोस्ट अभी 4:30 हो चुके हैं क्योंकि और निकालना यहाँ पर सबको स्टार्ट कर दिया कि मतलब पूरा पूरा उसको खाली करवा दिया जाएगा। तो यहाँ आप लोगों के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट और बेस्ट जगह या प्ले वीकेंड स्पॉट होने वाली है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंजॉय करना आप जरूर आ सकते हो। वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में पहले बार चैनल को कहीं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए लेके आता है। मिलते हैं ऐसे किसी नई इंटरेस्टिंग जगह में आप लोगों को, मैं फिर से आपको लेके चलूँगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय हिंद।